Gordle ki player jo is waqt height advantage lekar baithe but Pukar with the DPS getting Mikey down but kab tak Pukar is ये में बचेगा एक बहुत बड़ा सवाल आने वाला है बट एरिक बॉ जिसके बारे में अभी तारीफ नहीं रुक रही थी यहाँ पर अब वो भी विक्टिमाइज होते जा रहे हैं। एनिग्मा का भी लो ग्राउंड एडवांटेज जो है, लो ग्राउंड डिसएडवांटेज था उसकी वजह से प्रेशर उनको झेलना पड़ेगा ये बात तो तय थी, लेकिन गॉड लाइक फाइनली थिंग्स आर क्लिकिंग इन। 8 एलिमिनेशंस आ चुके हैं इस टीम के पास, और भी ज्यादा इस नंबर को आगे ले जाना चाहते हैं। आसपास देखिए कितने सारे प्लेयर्स नॉक दें, एनिग्मा अपने आखिरी प्लेयर बाकी के भरोसे इस गेम के अंदर बनी हुई है, और वहीं पर अलादीन ने इन्फिनिटी को इस गेम के अंदर अभी तक टिकाए रखा है। लेकिन अब जोनाथन की गाड़ी आगे बढ़ी और ये फिनिशेस के पीछे भागना चाहते हैं। इमॉर्टल एक जगह पे नॉक आउट है, ही नोज दैट, बट इज looking for the other players. Punk को अगर revive मिला तो चीजें फिर से बिगड़ सकती है Godlike के लिए, क्योंकि अब टीम जा चुकी है एक 1-1-1 split में। लेकिन ये क्या, जैसी बाकी की position पता चली, DBS का एक बहुत ही बेहतरीन flick shot और बाकी को भी game से बाहर का रास्ता दिखाया गया। Now the win is in their sights. A 1v3 for team Godlike to win the chicken dinner of this match. Oh, Nate के साथ खत्म। What? ये क्रेजी कर दिया यहाँ पर, अंदर छुपे हुए प्लेयर कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर। जॉनी ने एक और नेट मारा, हैकर को भी कंप्लीट करा। आई थिंक द लास्ट प्लेयर इज इन द ब्लू जोन, हील बैटल चल रहा है, बट आई टोल्ड यू भाई जिस तरीके से जोन का सपोर्ट मिला है, बट सेल्सियस जस्ट स्टिल इन द गेम, और इस गेम के अंदर उन्होंने दूसरा पायदान हासिल करा है 4 फिनिशेस के साथ। इसका मतलब ओजी को आज के दिन के आखिरी में सेकंड पोजीशन से काम करना पड़ेगा, पूरे दिन नंबर वन पे थे। ये है एक टिपिकल ओजी, हमेशा इतना बढ़िया शुरुआत करती है कि लगता है कि ये दुनिया से ऊपर की गेम है, बट आखिरी में कहीं ना कहीं